वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉग्निजेंट हायर कर रही है वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए, तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या वर्किंग डेज होगा, क्या वर्किंग आवर्स होंगे, क्या वीक ऑफ डेज रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, क्या सैलरी डेट होगा, मैं टोटल इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार कॉग्निजेंट में वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि कॉग्निजेंट जो है एक MNC कंपनी है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉग्निजेंट इज़ अ मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर एंड IT सर्विस कंपनी। इट प्रोवाइड द प्रोफेशनल IT एंड नॉन IT सर्विसेज, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग एंड कंसल्टिंग। थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ द एम्प्लॉयज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। द गोल ऑफ द कॉग्निजेंट ऑफर बोथ IT एंड नॉन IT सॉल्यूशन इन शॉर्ट पैन स्पैन ऑफ इंडिया। रिक्वायरमेंट डिटेल्स की बात कर ले तो कंपनी का जो नाम है वो कॉग्निजेंट है। जो जॉब रोल रहेगा वो प्रोसेस एग्जीक्यूटिव का ये जॉब रोल रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोसेस। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस मोस्ट वेलकम है कंपनी में। जॉब लोकेशन जो रहेगा वर्क फ्रॉम होम है। अगर आप इंडिया से कहीं से भी बिलोंग्स करते हो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है वो 25,000 आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। रिक्वायर्ड स्किल्स की बात कर ले तो दे शुड हैव स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, फैमिलिटी विद द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, ETC, शुड बी एबल टू डू मल्टीपल टास्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिक स्किल्स, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमीडिएटली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवली, शुड हैव द नॉलेज ऑफ द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, राइट। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो इफ़ यू वांट टू अप्लाई दिस रिक्रूटमेंट यू शुड हैव कंप्लीटेड योर एनी बैचलर डिग्री इन एनी रिलेटेड फील्ड डिग्री। वर्किंग डेज की बात कर लो तो 5 ही डेज वर्क करना है। वर्किंग आवर्स की बात कर लो तो 8 आवर्स का शिफ्ट रहेगा। वीक ऑफ डेज की बात कर लें तो 2 दिन छुट्टी मिलेगी जो आपके टीम लीडर के अकॉर्डिंग होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो सबमिट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन असेसमेंट, टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू एंड ऑफर लेटर आपको यहाँ पे किया जाएगा। मीन्स ये सिलेक्शन प्रोसेस है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई लिंक यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर भी दिया गया, वो भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटिव एज कॉग्निजेंट, 25,000 सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। हु कैन अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे एनी ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोसेस। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट ऑफ दिस रोल, तो एज मीन द कैंडिडेट शुड हैव एनी एज लिमिट ऑफ एटलीस्ट 18 ईयर्स, 18 साल का प्लस है तो आप इसे अप्लाई कर सकते। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका अप्लाई लिंक जो है मैंसन कर दे रहा हूँ, तो वैसे कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। हायरिंग अभी चल रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।